दीनबंधु जगत पते गोपी सर्व विदा कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्षैकितासि कामादि संगमतै कृपा मयि त्वां शरणं प्रवर्णा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ त्रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी शरण बंदन जाहा हय विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म मित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए तब श्री माता सची और अन्य अन्य भक्त वृंद भी सुन करके सबके सब वहां पर आए। जब आए इतने में जब श्रीमान महाप्रभु अपना माँ को दर्शन किया उन्होंने उनका प्रदक्षिणा किया अपना मैया को उन्होंने प्रदक्षिणा किया और उनको प्रणाम भी किया है। देखो कहते वही मैया मैया है अगर मैया हमें भगवान की भक्ति की उपदेश देता है। इसलिए कहते जिनके प्रिय ना राम वैदे ही तजी और कोटि वैदि समझ यद्यपि परम सही है। यद्यपि पिता माता भाई बंधु हमारी परम स्नेह की पात्र है लेकिन अगर हमारी भक्ति के प्रतिकूल हो हमें भजन करने के लिए नहीं दे कहते तेजी और कोटि गैर सम उनको कर्ण शत्रु मान कर त्याग दो। इसलिए उदाहरण देते हैं तेज पिता प्रहलाद इसलिए प्रहलाद ने क्या किया अपना पिता को त्याग दिया है। माता महतारी कहते माँ को किसने त्याग दिया बोले भरत ने है। जब भरत को पता चला मेरी मैया ने दो बार श्री दशरथ से मांग करके एक बार में मेरा बेटा राज सिंहासन में बैठेगा और दूसरे बार में रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास जाएगा इसको सुन करके भरत तो इतने भड़क गया बोले अगर प्रभु राम अगर नाराज नहीं होते ना आज तक सर ही में काट देता क्या बोले राम के डर के मारे तेरे सर में नहीं काट रहा हूँ आज से जिंदगी में कभी तुमको मैं मैया कभी नहीं तो मैया बोलना हमने छोड़ दिया मैया बोलते नहीं थे हैं। इसलिए कहते श्री बलि बलि ने अपना गुरुदेव को त्याग दिया बोले कैसे गुरु हो गुरु का काम क्या है कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरु गुरु हुए हैं जो भगवान के चरण कमल को हमें दर्शन कराते लेकिन सख्यात भगवान वर मांगने भगवान हमें भिक्षा मांग रहे दुनिया जिनकी वो मेरे पास में भीख मांग रहा है, है? कितने दयालु रुचा करने पर एक सेकंड में सब छीन सकते हैं लेकिन वो मेरे पास में भिक्षा मांगने के लिए आए ऐसे सौभाग्यवान कोई होगा। और आप गुरु होकर कर भगवान को मत दो ऐसे गुरु की जरूरत त्याग देंगे है। इसलिए यहाँ पर एक एक ब्रज गोपियों ने अपना प्रतीक उन्होंने त्याग कृष्ण के रासलीला में जाने के लिए मना करते हो इसलिए उन्होंने
पति को उन लोगों ने त्याग दिया है। इसलिए यहाँ पर सचिव चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, लेकिन ये माँ ऐसे नहीं। इसलिए जब महाप्रभु बोले संन्यास लेने के लिए, भैया ने कुछ बोला नहीं है, उस समय खड़ी तो रही, दुख तो हुआ है, लेकिन महाप्रभु ने क्या बोले, बोले भैया कोई चिंता मत करो, तेरे सब कुछ दायित्व मेरे, सब दायित्व तुम्हारे, एक जन्म की माँ नहीं, हर जन्म जन्मांतर की तुम्हारी माँ हो, इसलिए तेरे सब दायित्व में ग्रहण करता हूँ, सब दायित्व उन्होंने ग्रहण किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रणाम करके दंडवत किया, मैया को उन्होंने अपना स्तुति किया, कहते मैया तुम तो भक्तिमयी हो, तुम तो गुणातीत मुक्तिमयी, तुम भक्ति की जननी तुम हो, इसलिए तुम यदि शुभ दृष्टि कर जीव प्रति, तब से जीव रहे कृष्ण रतिमती। माँ अगर तुम जीव का प्रति अगर शुभ दृष्टि करती हो, तब उनको भगवान की चरण में उनका रतिमती होती है। बोले तुम ही गंगा देवकी जसोदा देवकी, बोले तुम गंगा हो, तुम देवकी हो, तुम जसोदा हो, तुम देवहूति हो, इसलिए तुम ही कृष्ण, तुम ही अनस्या, तुम ही कौशल्या, तुम अदित हो। इसलिए जब महाप्रभु माँ को प्रणाम कर रही थी, ये सब बोल रही थी, मैया तो खड़ी होकर के केवल रो ही जा रही थी, अपना आंखों से आंसुओं को बहाते हुए जा रही थी है। इसलिए कहते माँ एकदम आनंद में प्रेम में है, माँ एकदम प्रेम में चढ़ हो गई पूरा उनके शरीर। प्रभु बोले कृष्ण भक्ति जे किच्छु आमार, केवल एकांत सब प्रसाद तुम्हार। कहते मैया के जितने गुण बेटे में आता है, इसलिए मेरी अंदर में जो कृष्ण भक्ति दिखती है, कहते किसकी कृपा से, बोले तुम्हारी कृपा से, हाँ तुम्हारी कृपा से सब मेरे अंदर में भक्ति है। इसलिए एक बार जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी भव बंधन नष्ट हो जाती है। बोले गंगा तुलसी जगत पवित्र करती है, गंगा और तुलसी जगत को पवित्र करती है, लेकिन जब गंगा तुलसी तुम्हें स्पर्श करे, कहते वो भी पवित्र हो जाती है, गंगा तुलसी भी तुम्हारी स्पर्श से वो भी पवित्र हो जाती है। कितने महिमा श्री सच्ची मैया की है। इसलिए कहते मैया तुमने हर क्षण क्षण में जो तुम्हें हमें प्यार दिया है, इससे मैं कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता। सचमुच से माँ जितने बच्चों को लाड़ प्यार करके जितने बड़ा करती हैं, कहते उसको तो कोई मुक्ति पाप पाप नहीं सकते हैं। कहते प्राचीन तब्त तेज बोली में के आई आई प्रभाव से तार दुख नहीं। इसलिए पिताजी की माँ को आई कहते हैं, पिताजी माँ का आई कहते हैं, पिताजी की माता भी आई कहते, पिताजी की बहन आई किसको कहते, मार मार को, मार मार। इसलिए कहते हैं मैया, मैया के मैया के जो मैया है, हैं मैया की जो मैया है वो आई है। इसलिए कहते प्राकृत शब्द तुझे बोली में क्या आई, यहाँ पर श्री सच्ची मैया को सबके सब आई कह करके बुला देते हैं, मैया की जो मैया वास्तव में, क्योंकि सच्ची माँ कौन है, दुनिया का पिता भगवान, उनको जो माँ सच्ची माँ, इसलिए हमारे जो पिताजी का भी पिता मतलब माँ जी का भी जो माँ है, कहते वो आई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो प्राकृत शब्द में भी अगर कोई आई बोल देना, बस उसको प्रभाव से और दुख नहीं, कहते उसका सारे दुख दूर हो जाते ही। इतने में मैया बड़े दिन से आई, और देखना मैया के हाथ का जो खाना है ना, बच्चों को सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि जो बच्चा जो जीवन में जो खा खा करके आया है, किसकी हाथ की खाना खा करके आता है, कहते अपना माँ की हाथ की खाना खाते 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 बच्चा की जगत में बड़ा होता है। इसलिए माँ के हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है, इसलिए बड़े दिन में मैया आई है, इसलिए मैया ने बढ़िया रोसी बनाई। यहाँ पर कह रहे हैं बोले कते के प्रकार आई करीला रंधन, नाम नाही जानी है ना रांधिला व्यंजन। कहते मैया ने इतने तरह का उन्होंने रोसोई बनाया जिसका नाम तक भी पता नहीं, इतने तरह तरह का, क्योंकि वही जसोमती माँ सची है। इसलिए जब हम भजन गाते हैं ना, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, उसमें कितने तरह तरह का मैया राधा रानी रोसोई करती है, भक्ति विनोद ठाकुर ने सब नाम दिया है, सब नाम दिया।
इसलिए यहाँ पर इतने तरह का व्यंजन उन्होंने बनाया जिसका नाम तक भी गिन नहीं सकते हैं। लेकिन मैया को पता, हर माता को पता होता है मेरा बेटा को सबसे प्यारा क्या लगता है, किसको पता होता है? माँ को। इसलिए माँ को पता है मेरा बेटा को सबसे प्यारा है सात। क्या प्यारा है? इसलिए कहते ना गौर प्रिय साख सेवने जीवन साल तक मानी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानो को। इसलिए उनको पता मेरा बेटा को साख सबसे प्यारा लगता है। कहते मैया ने कितना तरह का साग बनाया? बोले 20 तरह का साग मैया ने। इधर तो इतना जो साग जानते हो कि नहीं, इसको हरी सब्जी कहते हैं। इसलिए तो जो साग जो हरी सब्जी इतना इधर दो चार तरह का, लेकिन देखो कि बंगाल का तरह कितने तरह का साग है, बहुत तरह का साग बनाती है। इसलिए कहते 20 प्रकार साग रांधी लेते को, कहते प्रत्येक और जो तरह तरह का जो सब्जी 10 तरह का, हर सब्जी 10 तरह का उन्होंने सब्जी बनाए। अब हर सब्जी में भगवान को अर्पण करने के लिए तुलसी मंजर दिया। महाप्रभु ने जब आए उन्होंने प्रसाद को देख करके ना खुश हो गया, इतने सुंदर प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। इसलिए हमारे बंगाल का तरह ना जो साधारण रूप में जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं एक तरह का नहीं, जो भाजी कम से कम 8-10 तरह का भाजी बनाते हैं, क्योंकि महाप्रभु को सब चीज प्यारा लगता है ना, महाप्रभु सब चीज प्यारा है। इसलिए बहुत तरह तरह का अन्न व्यंजन बनाते हैं। इतने में महाप्रभु ने प्रसाद की महिमा को खूब गाई। जैसे हम प्रसाद बोलने से पहले क्या गाते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुण्यंग बतंग राजन विश्वास नैव जायते, बोलते हैं ना। इसी तरह महाप्रभु ने प्रसाद गुरु ने महिमा गाई और उन्होंने कहते केवल प्रसाद का दर्शन से, उनका महिमा गाने से जीव का भव बंधन हो जाता है। इसलिए कहते कृष्ण बड़ा दयामय परिवार जीवा जाए सब प्रसाद अर्न दिलवाए, हैं हमारे जीवा को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्रसाद दिया। और कहते हैं प्रसाद सेवा करित है सकल प्रपंच जय। जब हम भगवान की प्रसाद को सेवा करते हैं हमारे सारी जड़ इंद्रियां ये माया के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते केवल गंधे, कहते प्रसाद का सुगंध पाते ही बस जीव का भव बंधन मुक्त है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं केवल सुगंध देख करके, बंगाल में एक चावल होता है उसका स्पेशल नाम है, उसका नाम गोविंद भोग, वो चावल का नाम ही गोविंद भोग है। और अगर यहाँ रोसी बनेगा ना पूरा मंदिर में उसका खुशबू पूरा मंदिर में उसका खुशबू, जैसे इधर बासमती चावल होता है ना उसका तो खुशबू है, लेकिन वो जो चावल है उसकी, इसलिए उसका नाम ही गोविंद भोग, केवल गोविंद के लिए ही प्रतियोग है। और उधर जो परमान्न बनाते खीर बनाते स्पेशल रूप में उसी चावल से, और वो खीर इतना सुगंध होता है उसका अलग सुगंध है, और खीर का अलग सुगंध है। इसलिए कहते उसका महाप्रभु उसका घ्राण है देख करके समझ गए इसको जरूर भगवान ने स्वीकार किया है, हाँ स्वीकार किया है। इसलिए इसको देख करके महाप्रभु बड़े खुश हुए और क्या क्या साग बनाए। यहाँ पर उन्होंने हेलेंचा सालिंचा, बंगाल में जो तरह तरह का साग होता है बहुत तरह का साग है, इसलिए जो साग बनाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिस प्रसाद की कोई महिमा उसका अंत नहीं है। इसलिए महाप्रभु बैठे बैठे करके वहां पर महाप्रभु ने प्रसाद पाए। जब महाप्रभु प्रसाद पा गए उसके बाद में क्या होता है, भक्त लोग ने लूटपाट करना शुरू किया है। सब भक्तों ने लूटपाट शुरू किया। एक भक्त कहता है तू ब्राह्मण पहले तुम नहीं लोग, इतने छोटा जा दिया पहले मेरा अधिकार है, उसके बाद में तुम्हारे अधिकार है। इसलिए ऐसे करते 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 तरह तरह का उन्होंने प्रसाद पाए सबके सब। इतने में महाप्रभु के सामने मुरारी गुप्त बैठे हुए थे। तब मुरारी गुप्त बैठे हुए थे, महाप्रभु ने सर्वंतर्यामी महाप्रभु सब जानते, बोले गुप्त तुमने कोई अष्टक बनाया है? तुमने कोई अष्टक, जैसे हम अष्टक पढ़ते हैं ना, तुमने कोई अष्टक बनाया
इसलिए कितने में बोलो क्या अष्टक बनाए कहते मुरारी गुप्त कौन थे पहले श्री हनुमत लाल थे श्री हनुमत लाल थे मुरारी गुप्त इसलिए उन्होंने हनुमान राम के कनिष्ठ भक्त है इसलिए भगवान राम के ऊपर उन्होंने अष्टक लिखे हैं बोले अग्रे धनुर्धर वर कर्ण कणों को ज्वलांगी ज्येष्ठानु सेव नर तो वर भूषण से साख्य धाम वर लक्ष्मण नाम नाम जस्य रामं जगत्रय गुरु सततम् भजामि अत्वा खर त्रिशिरसौ सगनौ कबन्धम् श्री दण्डकारण्य मधुसनम् एव कृत्वा सुग्रीव मैत्रेयम् अकरोत् विनिहित्य शत्रुवा रामं जगत्रय गुरु सततम् भजामि कति ये श्लोक को उन्होंने पढ़े मतलब ये श्लोक में उन्होंने भगवान राम ने कैसे कैसे दैत्यों को वध किया कैसे सुग्रीव का साथ में मित्रता किया कैसे रावण को उन्होंने वध किया किसको साथ में बंधुत्व बनाए ये सब कहते ये श्लोक में संपूर्ण रूप में राम चरित्र को श्री मुरारी गुप्त ने वर्णन किया है श्रीमद् महाप्रभु मुरारी गुप्त का अष्टक सुनकर भी बड़े खुश हुए महाप्रभु क्या वर दे रहे हैं बोले सुनी तुष्ट है तवे श्री गौर सुंदर पाद पद्म दिलातार मस्तक ऊपर महापुरुष सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उसका सर ऊपर में अपना श्री चरण को रखे बोले क्षण कजे करीबे तुम्हार आश्रय से ही राम पद अम्बुज पाइबे निश्चय क्या कह रहे हे मुरारी गुप्त अगर कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी तुम्हारी चरणों को आश्रय कर ले उसको जरूर भगवान राम जरूर उसको मिलेंगे क्यों हनुमान राम के सबसे प्यारे भक्त वो गुरु है जब तक तो गुरु को कृपा नहीं होगा कैसे राम मिल सकते हैं इसलिए महाप्रभु वरदान दिया हे नई समय कुष्ठ रोगी एक जन प्रभु सम्मुख आसी दिल दर्शन ठीक इतने समय में एक जिसको शरीर में कूड़ हो गया था कुष्ठ व्याधि जिसको शरीर में कूड़ हो गया था एक रोगी आकर के उन्होंने महाप्रभु का दर्शन दिया दर्शन देकर के महाप्रभु का चरण में गिर पड़े बोले हे प्रभु मैं अपना उद्धार के लिए आए हैं आप तब पर दुख में कातर हो प्रभु मैं कुष्ठ व्याधि में कूड़ रोग में मैं पीड़ित हूँ प्रभु मेरे को उद्धार करो मेरे को उद्धार करो जब इतना बोले ना महाप्रभु का चरण में गिर जाए बोले मेरे को उद्धार करो लेकिन महाप्रभु बोले दुर्भाग कहाँ का दुष्ट तेरा मुंह भी नहीं देखनी चाहिए हैं कहते तुमको दर्शन करने से क्या होता है तुमको दर्शन करने से पाप लगता है तुमको इसलिए तुमको दर्शन करने से पाप लगता है हैं इसलिए क्यों पाप लगता है कहते वैष्णव निंदुक तुई पापी दुराचार या है ते दुख तोर कतो आछे आ कारण है कहते तुम वैष्णव निंदुक हो तुम वैष्णव को निंदा किया है तुमने इसलिए तुम पापी तुम दुराचार हो कहते ये क्या दुख ये कुछ भी नहीं है तुम्हारी दुख है बड़ा कठिन दुख तुम्हारे जीवन में भोगना पड़ेगा हैं बड़ा कठिन दुख है कहते इसी दुख को तुम सज्जे नहीं कर सकते हो कहते जो वैष्णव चरण में अपराध करते हैं उनके लिए स्पेशल एक नरक है जिसका नाम कहते कुंभीपाक है कहते सबसे बड़ा खतरनाक नरक है इसलिए कहते उसको तुमने कैसे सज्जे करोगे कहते जिनका नाम श्रवण करने से जीव पवित्र होता है हैं कहते ना कहते कहते गंगार परस हैले पश्चात पावन दर्शन पवित्र कर एक मार्ग बोले गंगा का स्पर्श होने से कोई पवित्र होता है लेकिन वैष्णव दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाते हैं है? इसलिए कहते कृष्ण सेवा से भी भक्त का पूजा बड़ा है लेकिन ऐसे वैष्णव का तुमने निंदा की इसलिए तुम्हारी कोई उद्धार नहीं इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण क्या कहते हैं भक्त के लिए भगवान एक भक्त के लिए क्या कहते हैं बोले नर तथा में प्रियतम आत्म ज्योतिर न शंकर भगवान अपना भक्त के लिए कितने बड़ी बात कहते हैं बोले हे उद्धव तू मेरी जितने प्रिय हो उतना प्रिय मेरी कौन नहीं मेरे पुत्र भी इतना प्रिय नहीं कहते मेरी
हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरी अंकज साईनी लक्ष्मी भी नहीं, श्री बलदेव प्रभु नहीं, कहते मैं भी मैं इतना मेरा प्यारा नहीं, तुम मेरे इतने प्यारे हो है। इसलिए भक्त के लिए भगवान इतने दूर इतने बड़ी बात कहते हैं, हैं? इतने बड़ी बात कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति वैष्णव को निंदा करते हैं और भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी उसको पूजा स्वीकार नहीं करते, कहते जो व्यक्ति वैष्णव निंदा करते हैं, कहते गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गंगा देखकर भाग जाती है वहां से, कहते तुम वैष्णव निंदु को इसलिए तुम मेरे को स्पर्श मत करो, गंगा भी डर कुमारी वहां से भाग जाती है गंगा, इसलिए हाँ। और यहाँ पर कहते बोले वैष्णव का कितने महिमा है, बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां जेषां कुले वैष्णव नाम दया, कि जिस कुल में एक वैष्णव जन्म ग्रहण करते हैं बोले कुलम पवित्रम उसका कुल पवित्र हो जाते हैं, जननी कृतार्था उसकी माँ धन्य हो जाते हैं, नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां जो पूर्वज लोग चले गए पहले हाथ उठा करके नाचना शुरू करते बोले अहो भाग्य हमारे वंश में एक वैष्णव जन्म लिया, अभी कोई चिंता नहीं अभी हमारी उद्धार हो जाएगा है। वसुंधरा पृथ्वी भी धन्य हो जाती है जिनकी चरण स्पर्श पा करेगी और उनका दृष्टि से चतुर्थी को पवित्र हो जाते हैं, जब बाहर उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग स्वर्ग का विघ्न दूर हो जाता है, मतलब एक वैष्णव का इतना महिमा वो हाथ उठा करके नृत्य करना स्वर्ग की सारे दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए अरे ऐसे कौन श्रीवास, श्रीवास कौन है श्री नारद जी, नारद जैसे भगवान के प्यारे भक्त और किए जगत में कोई है, कोई नहीं इतने प्रिय भक्त नारद है, है? भगवान की कथा मान भगवान के स्मरण करते ही बस नारद प्रकट हो जाते हैं, इसलिए कहते ऐसे तुम श्रीवास जी का तुमने अपराध किया होते कोई उद्धार नहीं, बोले सही कुष्ठ रोगी सुनी प्रभु रो उतर दंते तृण करी बोले हई आकातर, जब महाप्रभु ने वैष्णव का इतना महिमा सुना वो कुष्ठ व्याधि ने सुन कर क्या किया अपना दंत में तृणिका को लेकर के है, उन्होंने बड़े दुखी होकर के कह रहे हैं बोले प्रभु ना जाने मैंने कैसे कितना वैष्णव निंदा किया है, हैं? उसका तो मैंने दंड मिल गया मेरे को, इसलिए साधुओं का स्वभाव क्या होता है दुखियों को उधार करना साधुओं का स्वभाव होता है, इसलिए प्रभु आपका शरण में आया हूँ आप तो दयालु हो इसलिए प्रभु मेरे को उधार कर दो मेरे को पाप से उधार करो, तो महाप्रभु कह रहे हैं बोले देखो चलो कुष्ठ रोगी तुम्हें श्रीवास रस्तानी सत्वरे पड़ गया ताहर चरण, महाप्रभु उसका उपाय कर जाओ है, जब उन्होंने माफी मांगे बोले जाओ तुम बोले कहाँ बोले श्रीवास पंडित के पास में जल्दी जल्दी जाओ और उनका चरण पकड़ करके उनके चरण में क्षमा प्रार्थना करो, यहाँ कह रहे हैं कांटा फुटे जय मुखे सही मुखे जाओ पाए कांटी फुट लेगी स्कंदे भाई रहे, कांटा जिधर चुभ जाता है जैसे कि धर जिधर कांटा चुभती है कांटा उधर से निकलता है, और कहते प्यार में कांटा चुभने पर क्या सर में निकलता है, इसलिए जाओ किसको पास में जाओ बोले श्रीवास पंडित के पास में जाओ वहाँ क्षमा प्रार्थना करो, हाँ क्षमा प्रार्थना करो, जब उन्होंने बोले तो उन्होंने श्री श्रीवास पंडित के पास में गए, बड़े दुखी होकर के उनके चरण में क्षमा प्रार्थना की बोले प्रभु मेरे अपराध को दूर कर दो, मैंने आपकी बड़ी निंदा की मेरे अपराध दूर कर दो, लेकिन वैष्णव लोग तो बड़े दयालु बड़े कृपालु वैष्णव लोग होते हैं, इसलिए उन्होंने उनके अपराध को दूर कर दिया उनका सारे अपराध मुक्त हो गया, फिर महाप्रभु उसको घर में कृपा किए, इसलिए अभी यहाँ पर कह रहे हैं इतने में महाप्रभु अद्वित हो घर में जब आए कहते तो वहां पर रहते समय उस समय में श्री माधवेंद्रपुरी का तिथि आया है उनकी जन्म तिथि आई, जब जन्म तिथि आए कभी यहाँ पर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कभी जब कोई वैष्णव का तिथि आ जाए हमें उसको कैसे पालन करनी चाहिए, तिथि को हमें
कैसे पालना करनी चाहिए, कहते महाप्रभु ने स्वयं ये चीज सिखा दिया। कहते माधवेंद्रपुरी कौन है, बोले श्री अद्वैत आचार्य जी का गुरुपाद पद्म है। इसलिए कहते जब गुरुपाद पद्म का तिथि आता है क्या करनी चाहिए, हमें उत्सव मनानी चाहिए। इसलिए बताए अगर कोई गुरु गर्भ का तिथि आ जाए है, जथा साध्य हमारी जितना हो उतना क्या करनी चाहिए उसमें हमें जैसे जन्माष्टमी रामनवमी जैसे गुरु जी परम गुरु जी का जैसे तिथि आती है प्रभुपाद का, अपना सामर्थ्य का अनुरूप क्या करनी चाहिए उस तिथि को हमें पालना करनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं एक दोष लगता है वित्त साठ्य मतलब है पैसा रहते हुए हम उसकी कृपणता करना है, उसमें कृपणता करना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले माधवेंद्र पुरी रो अकथ विष्णु भक्ति कृष्णेर प्रसाद सर्व काल पूर्ण शक्ति। कहते माधवेंद्र पुरी रो अकथ विष्णु भक्ति, कहते माधवेंद्र पुरी के अंदर में जो भक्ति है हैं इसलिए अद्भुत है। कहते क्यों, कहते जब वो मेघ को दर्शन करते थे माधवेंद्र पुरी का मेघ दर्शन करते ही उनको कृष्ण स्फूर्ति होता था। अगर मयूर पंखों को अगर देख लिया ना माधवेंद्र पुरी बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते थे। इसलिए आई दयाधर नाथ है मथुरा नाथ एक श्लोक है, कहते ये श्लोक को जगत में केवल तीन व्यक्ति आस्वादन किया, बोले कौन है, कहते एक है श्रीमती राधा रानी, दूसरा है श्री चैतन्य महाप्रभु, तीसरा है श्री माधवेंद्र पुरी है। कहते केवल तीन लोग जो श्लोक को पूर्ण रूप में आस्वादन किया, मतलब इतने बड़े साधु। इसलिए माधवेंद्र पुरी को कहते हैं ये प्रेम की अंकुर, जैसे महाप्रभु इस जगत में जो प्रेम को देने के लिए आए, कहते जैसे कोई बीज बोने से पहले सबसे पहले तो एक अंकुर होगा, फिर उसमें दो पत्ते होगा, फिर उसमें धीरे 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 टहनी आएगी उसमें। इसलिए कहते भक्ति का जो अंकुर कौन है, ये प्रेम भक्ति की है। महाप्रभु जो ब्रज प्रेम देने के लिए आए थे उसका अंकुर श्री माधवेंद्र पुरी, वहीं से प्रेम शुरू हुआ। मतलब कितने बड़े वैष्णव है। इसलिए माधवेंद्र पुरी जिनके लिए भगवान कृष्ण चोरी किया है, इसलिए उनका नाम क्या बोलेगा खीर चोरा है। पहले गोपीनाथ जी का गोपीनाथ था, लेकिन जो चोरी किया खीर उनका नाम खीर चोरा, खीर चोरा सारा दुनिया चोर 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 कहते। अगर चोर को चोर बोलो ना सब मारने के लिए दौड़ेगा, मतलब मेरे को चोर कह रहे हो, चोर को चोर बोलो तो मारने के लिए दौड़ेगा और सारा जीवन जो आता है क्या ठाकुर बोले चोर खीर चोरा चोर। ठाकुर जी खुश होते हैं सुन सुन, हाँ बोले चोर हूँ लेकिन क्यों चोर हूँ, लेकिन भक्त के लिए मैंने भक्त के लिए खीर चोरी किया। देखो भगवान चोर नाम को स्वीकार किया क्यों, भक्त के लिए उन्होंने चोर नाम, इसलिए एकात भक्त जीवन, भक्त ही भगवान का प्राण है। इसलिए कहते यहाँ पर वर्णना करते हैं, कहते श्री अद्वैत आचार्य कौन है, सदाशिव महाविष्णु। लेकिन अद्वैत आचार्य जैसे व्यक्ति जिनका शिष्यत्व स्वीकार किया, समझो कि व्यक्ति कितने महान व्यक्ति है, हैं महान व्यक्ति है। कहते अद्वैत कैसे शिष्य ग्रहण किया यहाँ पर बता रहे हैं, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले हर समय माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के सर्वत्र ये भ्रमण करते थे हैं। ये भ्रमण करते करते उन्होंने देखा जगत भक्ति शून्य है, जगत में कोई भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर क्या कर रहे हैं बोले चंडी है, बंगाल में अभी भी जाओ वहां पर भी किसका रास होता है, देवी का रास होता है और बलि चढ़ाते हैं और मदिरा शराब पी करके वहां भूत का नाच नाचते हैं। और उसी दिन पूरा नवद्वीप में हमारे जो गौड़ी बढ़ ना पूरा दरवाजा सारा दिन बंद, क्योंकि मांस मदिरा खा करके पागल होकर के माँ देवी को लेकर नृत्य करते हैं। इसलिए उन्होंने आकर के देखा क्या चंडी पूजा है, षष्ठी पूजा है और विश्वहरिता पूजा, मध्य मांस है और दुष्ट दानव पूजा। इसलिए जितने जोगी भी उस समय जो भी कहते हैं साधु जोगी महीपाल भोगीपाल ये सब क्या करते हैं, वो उसी में डूबे हुए हैं। अगर किसका बहुत ज्यादा नाम है ना कहते हम भगवान है, बंगाल में तो पता नहीं कितने भगवान होते थे, अभी पूरा भगवान बंद हो गए राम कृष्ण भगवान वहां पर, और वहां पर श्री अनुकूल ठाकुर भगवान है, वहां पर
तो विजय विश्वनाथ को एक ठाक भगवान ही कितना ठाकुर बोला बंगला बंगाल में है, जैसे खेती में बीज बोते है ना ऐसे भगवान वहां पर खेती में, जिसने थोड़ी सी अगर थोड़ा प्रभाव हो गया ना अपने आप को भगवान बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो लोग संन्यास ही है वो लोग भी प्रभु की भक्ति नहीं करते, उस समय में बड़ा चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता करते 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 हठात उन्होंने सिर्फ अद्वैत आचार्य को दर्शन किया। जब अद्वैत आचार्य को दर्शन किया, अद्वैत आचार्य क्या करते थे, वो स्वयं टीचर थे, शिक्षक थे, लेकिन क्या करते थे उसी समय में गीता भागवत जितने सारे ग्रंथ को सद ग्रंथों को वो पढ़ाया करते थे। अब सब भक्ति को कल हम सुन रहे थे ना महाप्रभु श्री देवानंद पंडित को क्या बोले, जब भागवत पढ़ाओ हर अक्षर अक्षर में केवल भगवान की भक्ति को ही व्याख्या करना, भक्ति छोड़ करके और कोई चीज व्याख्या नहीं करना, क्योंकि उसका कण कण में है भागवत के अक्षर अक्षर में भगवान का प्रेम को ही सूचित किया है। प्रेम ही मेन जीवन है, हैं? इसलिए श्री अद्वैत आचार्य कौन सदाशिव जो पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरारी, इसलिए जो पंचमो में हर समय भगवान के नाम को जप करते हैं, हैं? इसलिए तो उस हर समय भगवत भक्ति व्याख्या करते थे। इसलिए जब माधवेंद्र पुरी श्री अद्वैत आचार्य को देखे बड़े प्रसन्न हो गए, हैं? फिर अद्वैत आचार्य जब माधवेंद्र पुरी को देखे उनका शरीर में जो प्रेम का जो विकार देखा है ना, अद्भुत प्रेम का विकार है, कभी उन्होंने देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है। इसलिए कहते हैं जौहरी जौहरी चीनी, कहते एक जो सोना है ना उसको कौन पहचान सकता है, सभी नहीं पहचान सकते हैं, हैं? इसलिए जौहरी जो सोनार होता है कोई केवल सोना को पहचान सकता है, क्योंकि वो जानता है सोना कैसे उसका क्या क्या चिन्ह है। कहते उसी तरह जो वैष्णव चिन्हित नर देवेर सकत, कहते देवता लोग भी वैष्णव को पहचान नहीं सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मुई कौन जान है अति मूढ़, हम तो मूर्ख है, जब देवता लोग भगवान को नहीं पहचान सकते हम कौन सा कहते कि मूर्ख है, हम पहचान जाएंगे है ना। इसलिए देवता लोग, इसलिए हमारे भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे जब श्री बंसीदास बाबा जी महाराज वो पागल जैसे थे, देख उनका फट देखे होंगे ऐसे बैठे हुए, उनको पूरा पागल जैसे देखोगे आपको लगेगा कोई इंसान है पागल जैसे हैं। इसलिए और हम लोग जो भजन कर रहे हैं ना पागल बनने के, हम लोग भी पागल बनने के लिए भजन कर रहे हैं। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं पागल बोलिया अंगे ते दिवे के धोती, बोले कब हमारी ऐसे दिन होगा हमें पागल बोल करके लोग हमारे पर धूल झोंकेंगे, जब तक पागल नहीं होंगे ना तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हिंदी में कहते हैं कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सारे पागल सब छोटे पागल है, लेकिन असली पागल कौन है, जो पागल है श्री बांके बिहारी, वही असली पागल है। और हम लोग जो भजन कर रहे हैं एक दिन पागल बने हैं, ऐसे भजन करते करते भक्तिमान ठाकुर कहते हैं पागल बोलिया अंगेत जीवन चोली, हमें पागल मान करके हम शरीर में धूल कब चौकेंगे। सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं हाथ उठा करके हरि बोल करते करते, कभी नाच रहे कभी गा रहे कभी लोट पोट गा रहे, दुनिया लोग उनको क्या समझ रहे थे पागल, सब उनको पागल ही समझ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ऋषि मुनियों को बीच में प्रवेश किया ना, नारद व्यास पराशर वशिष्ठ जब बड़े बड़े ऋषियों को अंदर में प्रवेश किया, क्योंकि जोहरी जोहरी चिन्ह, इसलिए जब उनको देखा है ना उनके शरीर में जो उन्होंने सिम्टम को देखा, बोले यही केवल परीक्षित महाराज का आंसर उत्तर का आंसर यही दे सकते। क्यों, उनको शरीर में जो प्रेम के चिन्ह देखा, लेकिन साधारण लोग क्या समझ रहे थे पागल। उसी तरह के श्री माधवेंद्र पुरीपाद इनके शरीर में जो चिन्ह दिख रहा था वो साधारण चिन्ह नहीं, सारे प्रेम का श्वेत कंप अश्रु पुलक वैवर्ण स्तंभ ये सब चिन्ह दिख रहा था। अद्वैत आचार्य पहचान गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये सब कृष्ण प्रेम का चिन्ह। यहाँ पर श्री प्रभुपाद एक अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जगत में ऐसे कुछ लोग हैं अभ्यास करके लोगों को ठकने के लिए इसलिए कोई कोई इस प्रेम का विकार को प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए बंगाल में जाओगे ना वहां पर कीर्तन होता है, महाराज कह रहे थे ना दो पार्टी में दो लोग आए
भाव दिखाने के लिए हैं, भाव दिखाने के लिए। एक व्यक्ति थोड़ी समय के लिए भाव भाव देखा चुप हो गया और कंपटीशन हो रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने इतनी भाव देखा भूमि में लौट पोट आंखों से आंसू आर क्या। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो था वो काम करके बंद कर दिया, उसका पार्टी वाले लोग पूछे बोले वो तो फास्ट हो गया, तुम पहले क्यों हो गया, बोले उसको 5 रुपया दिया था और तुमने मेरे को 50 रुपया दिया। उसको 5 रुपया पूछो उसको कितना पैसा मिला, 5 रुपया, मेरे को 50 रुपया दिया, 50 रुपया अगर भाव दिखाएंगे हैं। इसलिए बंगाल में कहते चारियाना का भाव, हाँ चारियाना का 25 पैसा का भाव है। इसलिए कुछ बंगाल में जाओगे जो कीर्तन करने वाले होते हैं ना, जिनको बुला बुला कर पैसा कीर्तन कराते हो करते करते दिल्ली ए सब जितने लोग आ करके सब चरणों में दिलासा करेंगे भावारी कृष्णा प्रेम। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कुछ कुछ लोग कृत्रिम करके हैं लोगों को ठगाने के लिए ये सब चीजों को करवाते हैं। इसलिए हरदास ठाकुर जी समय नृत्य कर रहे थे, लोग चरण धूल ले रहे थे, ढोंगी विप्र बोले बाबा ये लोग बेकूफ आदमी है, हैं शायद ऐसे पछाड़ धार के गिरने पर सब लोग शायद सम्मान देते हैं। वो पछाड़ गिरा खा कर गिरा तो जो सापुड़िया था ना सांप गला रहा था, लाया डंडा पिटना शुरू कर दिया, फिर बापर बापर करके भाग गया बस है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना लोगों को ठकने के लिए कृत्रिम उपाय में प्रेम दिखाते हैं, हैं? कहते उनका आश्रय से जीव का कल्याण पूरी नहीं होता है, जीव का कल्याण नहीं होता है, है? इसलिए वैष्णव लग्न पूरी प्रेम अकथ्य कथन मेघ दर्शन मूर्छा है सही क्षण। कहते माधवेंद्र पुरी के शरीर में जो प्रेम का विकार, कहते मेघ को दर्शन करते जो मूर्छित तो हो जाते थे, इसलिए अद्वैत आचार्य देख करके प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के फिर उनसे उन्होंने मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया है, भजन उपदेश को उन्होंने ग्रहण किया है। इतने में तब माधवेंद्र पुरी से ग्रहण किया, जब महाप्रभु वहीं पर उसी समय में माधवेंद्र पुरी का आया जन्मतिथि, जन्मतिथि आया तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य स्वयं सिखा रहे अगर कोई गुरुवर्ग का तिथि आता है, गुरु जी की परम गुरु जी का तिथि आता है हमें कैसे पालना करनी चाहिए, बोले सही तिथि पूजीवारे आचार्य गोसाई जब तक सहज कर ले तार अंतर नाही। तद वो पूजा को करने के लिए अद्वैत आचार्य ने तो उन्होंने इतना उन्होंने उसको उन्होंने सजाया धजाया, इतने उन्होंने उसको अपना जीवन में पालन किया था जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं वहां पर जैसे हमारे मंदिर में कोई उत्सव होता है ना, कहते सूर्यकांत प्रभु रोसिया का सेवा, ये प्रभु फूलों का माला बनाएंगे, ये प्रभु को पकड़ा बनाना है, मालपुआ हमारे गौरव हरि प्रभु बनाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि सेवा बांट देते हैं, कहते सब सेवा बांट देते ना, मार्केट का दायित्व ये करेंगे, कोई वैष्णव आएंगे तो उनको अभ्यर्थना करना, गले में माला दे करके चंदन दे करके माला देना, ये प्रभु का दायित्व है। और ठाकुर का श्रृंगार श्री श्यामानंद प्रभु और श्री तमाल कृष्ण प्रभु करेंगे, और हमारे श्री क्या प्रभु क्या ना जुगल कृष्ण प्रभु वैष्णव का अभ्यर्थना करेंगे, और राधा रमन महाराज चंदन घिसेंगे, परिवेशन करेंगे, हाँ परिवेशन करेंगे। जैसे सेवा बांट लेते हैं ना ऐसे उसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, सब उन्होंने सेवा की बांट दिया है, बांट दिया। इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे, उनका सेवा है, कोई वैष्णव आए तो उनका पूजन करना, कहते आई आई मतलब सची माँ क्या करेंगे रोसाई का सेवा, और इनका नाम आया ही ठाकुर का पूजा करेंगे सब। इसलिए सब सब अलग अलग वहां पर, इसलिए कोई माला बनाएगा, कोई जल आनेगा है, कोई वैष्णव का चरण धोएगा, कोई चांदुआ सजाएगा, कोई कीर्तन करेगा, कोई नृत्य करेगा, कोई करताल बजाएगा है। और यहाँ पर कह रहे हैं जिस दिन वैष्णव का तिथि, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी राधा जन्माष्टमी वैष्णव का तिथि आता, जिस वैष्णव लोग सजाते सुधर, यहाँ पर कहते हैं कहते ऐसे लग रहा था जैसे श्री अद्वैत आचार्य जी का घर पूरा वैकुंठ, पूरा बल्लभ वैकुंठ, उनका जब जहाँ रहते हैं तो वैकुंठ है ही है, महाविष्णु है और शिवा महाविष्णु है वैकुंठ, कहते
कहते हैं जहां पर वैष्णव का सेवा ठाकुर का सेवा पूजा हो कहते वो स्थान भगवान की धाम बन जाता है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होकर के उन्हें देख रहे थे, देखो यहाँ पर क्या वर्णना किया है, कितना सामान वहां पर आया वर्णना कर रहे, कितने सामान अद्भुत है, हैं? कहते तंदूर मतलब चावल कितना था, 3-4 भर में चावल भरा हुआ। कहते काट पर्वत जैसे काट था, और कहते रंधन के लिए जितना सब सामग्री पर 5 घर में भरा हुआ था, हैं? कहते 2 घर में केवल क्या था, केवल जो मूंग दाल अरहर दाल से 2 घर भरा हुआ था, और जो वस्त्र है इतने सब वैष्णव लोग कहें कि सबको वस्त्र देना पड़ेगा, 7 घर में केवल वस्त्र ही वस्त्र था, और जो पत्तल जो था 10 घर में केवल पत्ता है, केवल पत्ता 10 घर में था, और 4 घर में चिड़ी था, और पोटल थोड़ आलू है साग मान साग। कहते तो पर्वत आधार में इतनी साग सब्जी, बंगाल में तो बहुत साग सब्जी बनाते हैं ना, वो साग सब्जी भरा हुआ था। कहते 100-100 घोड़ा केवल दही दूध तेल लवण घृत कलश में भरा हुआ है, भरा हुआ है। महाप्रभु देख करके बड़े खुश हो रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे व्यवस्था कौन कर सकता है, केवल अद्वैत आचार्य जी कर सकते हैं, ये अद्वैत और ऐसे व्यवस्था शंकर ही कर सकते हैं। अद्वैत आचार्य शंकर महाविष्णु हैं, ये शंकर ही ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं। बोले चैतन्य प्रभु परमेश्वर जय सहित महोत्सव करते उत्साह दे रहे हैं, अद्वैत से सदा शिव है, हाँ इसलिए शिव का महिमा गा रहे हैं। कहते एक बार जो शंकर का नाम लेते हैं उसका सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वेद भागवत में इसका तत्व कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति शंकर जी को द्वेष करता है, हैं? द्वेष करता है, कहते केवल वो अमंगल बुलाता है, इसलिए महाप्रभु कहते कभी शंकर जी की द्वेष नहीं करनी चाहिए। कहते श्री वदने कृष्ण चंद्र बोले आपने, शिव जना पूजे सेवा मोर पूजे के न। कहते अगर शंकर जी को कोई अनादर करता है कहते मेरा पूजा बेकार हो जाएगा, है इसलिए शंकर जी वैष्णवानाम जता संभव। इसलिए महाप्रभु हर समय ये जैसे वैष्णव उसको जथा योग्य महाप्रभु सम्मान दिया, जैसे रामानुज संप्रदाय में शंकर जी का मंदिर के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा है कहते उनको बहुत दुख दिया था ना पहले सुना था, लेकिन महाप्रभु ने सबको जथा योग्य महाप्रभु ने सम्मान दिया है। बोले मोर प्रिय शिव प्रति अनादर जार के मत से मोर भक्ति हई वेता। कहते शंकर जी मेरे प्रिय भक्त हैं, हैं सदा शिव शंकर जी गोपेश्वर महादेव है हनुमान जी स्वयं शंकर जी है, इसलिए यहाँ कहते हैं कहते अगर मेरे को अनादर करे तो मेरे भक्त कैसे हो सकता है। कथम वामी भक्त स लभतम पाप पुरुष जो मध्यम परम भक्त शिवम संपूजयत नहीं। इसलिए यहाँ श्लोक उदाहरण देते हैं जो शंकर जी को पूजा अनादर करते हैं मेरे भक्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु समग्र सामग्री को दर्शन करके वैष्णव देर जितने वैष्णव लोग आए हैं हैं प्रभु अग्रे प्रेम नृत्य, इसलिए सबके कोई नृत्य कीर्तन कर रहे थे। महाप्रभु पहले क्या किया सबको नृत्य किया, सब भक्तों ने सबको नृत्य करा करके फिर महाप्रभु ने मंडली करिया नाचे सर्व भक्तगण मध्य नाचे महाप्रभु श्री सचिनंदन। जैसे हम बीच बीच में नृत्य करते ना कहाँ से आया, और कोई संप्रदाय में नाचना नहीं है। अब रामानुज संप्रदाय में जाओ है, अब निम्बार्क संप्रदाय में जाओ, विष्णु स्वामी संप्रदाय में जाओ, किसको नाचते हुए देखते हो वैष्णव, कहीं नृत्य कीर्तन नहीं, केवल हमारी संप्रदाय में ही भक्त लोग नृत्य कीर्तन करते हैं, हमारी संप्रदाय में भक्त लोग, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य कीर्तन श्री महाप्रभु स्वयं शिक्षा दे रहे हैं, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य जब समाप्त हो गया ठाकुर को भोग लग गया और सब माधवेंद्रपुरी प्रभु को भोग लग गया, इसलिए शांतिपुर गए कि नहीं गए हो, शांतिपुर वहां पर श्री माधवेंद्रपुरी का स्थान है, माधवेंद्रपुरी का स्थान वहीं पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और श्री और श्री अद्वैत आचार्य वहीं पर बैठ करके उन्होंने विचार किया था कैसे ये जगत में भक्ति को हम प्रचार करेंगे है। फिर जब सबको भोग लाभ हो गया फिर महाप्रभु नृत्य कीर्तन करके उसके बाद में फिर भोजन के लिए बैठे, और महाप्रभु बीच में बैठे हुए सारे भक्त लोग जैसे कृष्ण बीच में बैठते हैं और सारे भक्त लोग चारों तरफ में बैठते हैं, महाप्रभु जैसे चंद्रमा जैसे दिख रहे थे
हैं। और फिर आई रंधन जहां पर माँ सची स्वयं माँ जसमती सची जिसने रोसे किया, कितना सुंदर नहीं होगा। और वहां पर माधवेंद्रपुरी का गुणगान, यहाँ पर शिक्षा देते हैं वैष्णव का तिथि में क्या करनी चाहिए, उनकी गुणगान, गुरु वैष्णव का गुण महिमा गान हो। ऐसे नहीं केवल आए और खाए चले गए, कहते नहीं, वहां पर माधवेंद्रपुरी का गुणगान हुई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जैसे कोई वैष्णव का तिथि होता है जानी चाहिए, जाने से क्या होता है, यहाँ महाप्रभु कह रहे कहते इसी तिथि में जो आकर के भोजन करते हैं उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है, हैं? इसलिए कहते श्री आचार्य के घर में आनंद की सीमा नहीं, जहाँ पर स्वयं महाप्रभु भक्तों को साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए कहते जैसे पक्षी जैसे आकाश का कोई अंत नहीं पाता है, हैं? आकाश का जितने उसके पंख में ताकत उड़ जाती है, उसी तरह महाप्रभु भक्तों की जो महिमा अपार है, जितना दूर हो सके खूब उसमें गोता लगाओ। और यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जैसे एक पुतल को नृत्य कराते ना, नचाते हैं पुतल को, ऐसे ही महाप्रभु जैसे मेरे को नचाए, जैसे मेरे द्वारा उनको गुणगान करवाया, मैं अपना समर्थ अनुरूप महाप्रभु का कृपा से उतना ही गुणगान किया। बोले श्री माधवेंद्रपुरी पाद की, बोले श्री अद्वैत आचार्य की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 ओम। अच्छा गुरु देव कृपा से निर्वस्त्र तथा नम बाबा।